फ्रेंड देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है सब्जी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बनाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसलिए इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और टेस्टी लगती है। और अलग से कुछ तो भी रेसिपी हमने खाई इस तरह से हमको फीलिंग आता है। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड आज मैं आपके साथ में तोता हरी मिर्च की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तोता हरी मिर्च की सब्जी जो है ये बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी है। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मिर्चियाँ बाज़ार में काफ़ी कम आने की वजह से अगर हम सीज़न में जब इसे खाते हैं तो हमको टेस्ट का भी ज़्यादा अनुभव होता है और ज़्यादा अच्छी लगती है हमको खाने में। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन भून लिया है। इसे अच्छा सा थोड़ा कलर चेंज होने तक कि हमको भून लेना है। और मैंने ये हरी मिर्चियाँ ले रखी है, इसे ये आपको मालूम ही होगा है इन हरी मिर्चों को तोता हरी मिर्च कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी साइज़ में होने की वजह से मेरे को इसे कट करके बनाना पड़ रहा है। इसे इस तरह से अंदर चीरा मार लिया है मैंने और चीरा मार के इस तरह के इसके पीसेस कर लिए हैं। तो चीरा मार के पीसेस करने से इस तरह से ये कट जाती है। तो ये यहाँ पर काट ली है मैंने। अभी मुझे क्या करना है, ये भुना हुआ बेसन है जो निकाल लेना है और आगे की प्रोसेस करनी है। फ्रेंड मैंने यहाँ पर पैन ऐड कर दिया है। ये सब्जी थोड़ी अलग से बनाई जाती है तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। मैं यहाँ पर तेल ऐड कर देने वाली हूँ। तेल थोड़ा ज़्यादा लूँगी मैं क्योंकि हमें मिर्चियाँ हैं जो फ्राई कर लेनी है। अभी मिर्चियों के टुकड़ों को मैं तेल में ऐड कर दूंगी। और इसे मुझे फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड ये मिर्चियाँ फ्राई हो रही है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई करते करते ही कुक भी हो जाती है, बाकी सब्जियों जैसे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे। देखिए फ्रेंड ये मिर्चियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और मैंने यहाँ पर तेल थोड़ा कम कर लिया है। अभी इस पैन में हमको बाकी की प्रोसेस करनी है तो बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्याज ऐड कर दूँगी। इसे पिंकिश कलर होने तक भून लेना है। यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरी मिर्च की जो इस तरह से लाल मिर्च हो जाती है वो दो लाल मिर्च ली है, तीन हरी मिर्च ली है, 8 से 10 लहसुन के टुकड़े लिए हैं और 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका इन सब चीज़ों को मैंने इस तरह से दरदरा सा कर लिया है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। मैं अब जो अदरक लहसुन वाला हमारा मसाला है उसे यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो ये मसाला मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हमें। इस तरह से हम हरी मिर्च, लाल मिर्च वगैरह इसे कलरफुल लेते हैं सब्जी बनाते समय, तो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है और खाने में तो टेस्ट अच्छा आता ही है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है इस तरह से कलरफुल रेसिपी हो तो। ये अदरक लहसुन वाला मसाला भी हमारा भून के हो चुका है। अभी मुझे वहाँ पर बाकी मसाले ऐड करने हैं कि करीब आमचूर पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच के करीब सौंफ पाउडर जो दरदरा किया हुआ मसाला है वो लिया है मैंने यहाँ पर। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने तिल ली हुई है, वो तिल यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तिल से इस रेसिपी की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है।
इसे सौते कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। बस थोड़े कुछ सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे। ये टोमेटो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसे ऐड कर देना है हमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हींग पाउडर ऐड कर लेना है। टीस्पून से मैंने आधा टीस्पून के करीब हींग पाउडर लिया है। ये मसाले अच्छे से हो गए हैं। अभी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक ये ऐड कर देना है। तो मैं ये तीनों ही ऐड कर दूंगी यहाँ पर। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। अभी मिर्चियाँ ऐड कर देनी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अभी मुझे बेसन ऐड कर देना है। साथ ही मैंने एक छोटी कटोरी से दही लिया था, इसे थोड़ा पानी डाल के इस तरह से लिक्विड ही कर लिया है। बेसन डाल के मिक्स कर दिया है। थोड़ा पानी यानी एक छोटे कप से पानी मुझे ऐड कर देना है। तो ये पानी ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पर। फ्रेंड, इस सब्जी को मैंने 3 मिनट तक के लिए पका लिया है। मिर्चियाँ ऑलरेडी पकी हुई थी, थोड़ा सा बेसन और बाकी मसाले अच्छे से स्वाद में घुल मिल जाए, इसलिए मुझे 3 मिनट तक मैंने इसको प्रोसेस किया है। अभी ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो फ्रेंड देखिए, हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है, कुछ अलग से रेसिपी है और ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुँह का स्वाद इससे एकदम पूरी तरह से बदल जाता है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड, मैं इस रेसिपी पर चिली ऑयल ऐड कर दूंगी। ये मेरा शॉर्ट वीडियो है चिली ऑयल का। इसे किसी भी रेसिपी पर ऐड करने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। ब्यूटीफुल, नाइस, गुड।